एक छोटे से किसान के बेटे ने ऐसा खिलौना बनाया है जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। आप हमारे चारों तरफ देखिए, देखने के लिए लोगों की कतारें लगी हुई है। दूर दूर से इस गांव में इस छोटे से बच्चे और छोटे से किसान के बेटे को देखने के लिए और इस खिलौने को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचते हैं। आज हम भी इस जगह पर पहुंचे हैं। देखिए, एक किसान का बेटा है और यहां खिलौनों की ढेर लगी हुई है। ये जैसे भी है तो ट्रैक्टर है और ट्रक है, तरह तरह के यहाँ पर खिलौने बनकर तैयार है। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। कौन से क्लास में पढ़ता है? अब आठवां पढ़ते हैं। आठवां क्लास में? हाँ। ये जो बनाए हो खिलौना, इसको कैसे बनाया है? इसको फोम से बनाए। फोम से? हाँ। फोम का खरीद के लाया? खरीद के लाए थे, लेकिन एक इंटरव्यू में तो बोला था कबा हम चुन के लाए हैं। मतलब दूसरा बनाया है ना, पहला बनाए थे जो कवार वाला, मतलब अभी टूट गया है। दूसरा मतलब तीसरा में फिर न्यू बनाया है, ये भी तीसरा है। अच्छा, शुरू में कबार से बनाया था, वो टूट गया है तो फिर से फोम खरीद कर बनाया है। हाँ। ये बनाने में कितना खर्च लगा होगा? इसमें खर्च इसमें नहीं लगा, इसमें पैसा नहीं लगा है, पर फोम खरीदने में लगा था पैसा। जरा सा नीचे बैठ जाओ, देखिए जैसे भी बनाया है, जैसे भी का है, यहाँ एक कंट्रोलर है। जरा सा यहाँ से दिखाइएगा, जैसे भी का कंट्रोलर है, जैसे भी को कंट्रोल करता है। इसको ढाला को कैसे उठाते हो? इसको ढाला को कैसे उठाए, वो जैसे भी से मिट्टी कैसे उठाएंगे? देखिए वहां पर देख लीजिए, यहाँ से कंट्रोल करके वहां से मिट्टी उठाया जा रहा है। देखिए जैसे भी के मदद से, जैसे भी से या देख लीजिए, और उसको कंट्रोल करके वहां से ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पर रखने का प्रयास हो रहा है। और सारा प्रक्रिया सबको कंट्रोल यहां से किया जा रहा है, वो भी एक मात्र सिरिंज की मदद से। देख लीजिए उसको किस प्रकार से मिट्टी उठा करके और कैसे कैसे सो उसको रख रहे हैं। एक बनाने के लिए दिमाग में कहाँ से आया बाबू? बनाने के लिए जहाँ पे चलता था ना। हाँ। वही पे देखने जाते थे। अच्छा, जहाँ पे चलता था वहाँ पे देखने जाते थे, तो ये सब सारा चीज आप सेम टू सेम बनाए हैं? सेम टू बनाए हैं, पर पीछा का बेस, मतलब पीछे का बनाए हैं। अच्छा, ये तो ऐसे दे दिए हैं, ये ऐसे ही दे दिए हैं। ये इसको तो आप इस तरह से बनाए हैं, जैसे जैसे भी मिट्टी उठाता है, मिट्टी काटता है और ट्रैक्टर पर या ट्रक पर लाता है, उस प्रकार से टोटल काम करता है आपका जैसे भी? हाँ करता है, पर अभी फोम का है इसलिए उतना काम नहीं कर पाए, मतलब करवाएंगे नहीं तो टूट जाए, टूट सकता है। अच्छा, इसे ज्यादा काम करवाइएगा तो टूट सकता है। हाँ। इसको 100 पीस में खेलने के लिए बनाए हुए है। काम भी करता है, मतलब उठा सकता है, उतना भी नहीं उठा सकता है, मतलब फोम है ये, कमजोर होता है इसलिए। कब बनाए ये? इसका 2 महीना, मतलब 1 महीना हुआ है। अच्छा, कितना दिन लगा था बनाने में? इसको 10 दिन लगा था बनाने में, पढ़ाई के साथ भी कर रहे थे। अच्छा, पढ़ाई के साथ कर रहे थे तो 10 दिन लगा था। ये सब जो आपको किसने बताया कि ये सिरिंज की मदद से, पाइप की मदद से हम ऐसे बनाएंगे तो ये जैसे भी का है जो है मिट्टी उठाने का काम करेगा? ये हाइड्रोलिक के बारे में हम जानते थे, मतलब जो ट्रैक्टर पहले बनाते थे उसमें हमको दिमाग आया था, मतलब खेल रहे थे ना, कुछ कुछ खेल रहे थे, मतलब गोली वाला ऐसे कुछ खेल रहे थे, उसमें मतलब सिरिंज का हमको दिमाग आया, मतलब इधर से टिपने से उधर उठता है, खींचने से उधर से मतलब आता है इधर, तो उसे मतलब हम लगाए थे उसमें, ये ट्रैक्टर में लगाए हैं, उससे हमको दिमाग आया कि इसमें भी लगा के देखते हैं। तब हम इसमें देखे बना करके, पहला तो अच्छा नहीं बना था, ये बना है अच्छा है। सबसे पहले क्या बनाए थे? सबसे पहले बनाए थे एक ट्रैक्टर, पहले आविष्कार किए थे। अच्छा, ट्रैक्टर का आविष्कार किए थे, यानी कि एक वैज्ञानिक एक इंजीनियर का काम किए थे, आविष्कार किए थे ट्रैक्टर कैसे बनता है। सामने देखिए, वहाँ ट्रैक्टर लगी है, ट्रैक्टर है जो उसका ढाला उठता है। हाँ, उसका उसमें भी हाइड्रोलिक लगा, उसे हाइड्रोलिक लगा दिए। हाँ, उसको भी सिरिंज के मदद से। हाँ, उसी तो
देखिए उसका हाइड्रोलिक किस प्रकार से है, सीरीज की मदद से वहां से एक लड़का है सो उसको ट्रैक्टर के ढाला को उठा रहा है, और देखिए ट्रैक्टर की ढाला के किस प्रकार से उठा और बैठा दोनों रहा है। ये है जेसीबी है और ये ट्रक है। ट्रक कैसे बनाया है? ट्रक तो चलते रहता है ना रास्ते पे। अच्छा, उसको देख के बनाया है। ट्रक चलते रहता है रास्ते पर, उसको देखकर बनाया गया है। देखिए कि ट्रक का जो डिजाइन है किस प्रकार से बनाया है। एक छोटा सा किसान इसके घर में अगर आप आएंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि एक नॉर्मल से नॉर्मल एकदम बहुत ही नॉर्मल किसान है इनके पिताजी। ऐसा है ट्रक का डिजाइन, देखिए आप इसको बारीकी से जरा सा नजदीक से दिखाइए ट्रक के डिजाइन को। देखिए कि किस प्रकार से आप रास्ते पर चलते हुए ट्रक को देखते होंगे तो यहाँ डिजाइन बना होगा। ये जो जितनी भी सजावटें होती है यहाँ रहता है, जैसे लाइट रहता है, त्रिशूल रहता है, शीशा रहता है, ऊपर सजावट रहता है। और सबसे बड़ी बात देखिए दरवाजा भी है, जहां से गेट से अगर ड्राइवर साहब एंट्री करे और इधर से कंडक्टर या खलासी साहब एंट्री करे, दरवाजा है। और देख लीजिए स्टेयरिंग भी है, या देख लीजिए मतलब ऐसा कोई भी चीज नहीं छोड़ा हुआ, बारीकी से बनाया हुआ है। और देखिए कहीं से कुछ नहीं छोड़ा हुआ है इस ट्रक के। देखिए यहाँ से कितने चक्का का ट्रक है बाबू? ये 14 चक्का है। 14 चक्का है? हाँ। वाह, देख लीजिए इसमें ऑटोमेटिक नहीं चलता है? नहीं, इसमें मतलब नहीं लगा है मोटर, इसलिए। यहाँ भी देखिए हाइड्रोलिक का पूरा व्यवस्था है। जरा सा इधर से आकर के दिखाइए, यहाँ जो है हाइड्रोलिक का, ये देखिए ढाला को, जो ट्रक को हाइड्रोलिक बनाते हैं ढाला, और ये भी होता है हाइड्रोलिक है? नहीं, हाइड्रोलिक नहीं, इससे खुल जाता है। अच्छा, खुल जाता है। देखिए अगर कुछ सामान है ट्रक से उझलने की जरूरत है तो जो ओरिजिनल ट्रक में होता है ये खुल जाता है, डायरेक्ट गिराया जाता है। अच्छा, ये उठता भी है? उठता है, पर अभी हाइड्रोलिक नहीं लगा। अच्छा, हाइड्रोलिक नहीं लगाना है? हाँ, लगाएंगे। अच्छा, लगाइएगा। देख लीजिए किस प्रकार से उठ के यहाँ पर आता है। ये तरह तरह के अलग अलग चीजें बनाया हुआ है। सबसे तो अहम है कि इसकी कारीगरी देखिए, छोटे से बच्चे की, कि जैसे भी ऐसा बना के तैयार किया है जो लोग सोच भी नहीं सकता है। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं, मजदूर है। अच्छा, राजमिस्त्री का काम करते हैं। हाँ। आप कौन से क्लास में हैं? अभी हम 8वां में हैं, पर एक क्लास तरफ गए हैं। अच्छा, मतलब वो डुप्लीकेट काम भी करते हैं क्या? नहीं, मतलब एक क्लास अभी तरफ गए हैं। कितने भाई बहन है? 4 बहन हम अकेले। 4 बहन में अकेला भाई है? हाँ। आगे क्या बनना, क्या है आगे बनना चाहते हैं? कुछ सपना भी है। क्या सपना है? इंजीनियर बनने का। अच्छा, इंजीनियर बनने के, लेकिन तैयारी अभी से जारी है? हाँ, जारी है, पर अब बीच में रुक जाएगा। काहे? काहे को पढ़ाई पे ध्यान देना है। मतलब अब इसको रोक करके पढ़ाई पर ध्यान देना है? मैं तो देख लिया कि हम इंजीनियर बनने के बाद सक्सेस हो सकते हैं कि नहीं। हाँ, देख लीजिए, ये है चंदन, इसके पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं, और ये चंदन है जो अपने कारीगरी से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ऐसा खिलौना बनाया है, इसका खिलौना देखिए, ये भी ट्रैक्टर है, वहाँ भी ट्रैक्टर है, ढाला के साथ है, यहाँ जैसे भी है, और यहाँ ट्रक है। देखिए ट्रक से देख करके आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से ट्रक बनाया है। ट्रक का डिजाइन देखिए कितना सुंदर है, जैसा आप सोच सकते हैं कि जैसा ट्रक होता है हूबहू ट्रक सेम टू सेम वैसा ही बना है। जैसे भी जैसा होता है सेम टू सेम वैसे है, मिट्टी उठाता है, मिट्टी उठाने के बाद जो देखिए कि ढाले में भी रखता है, और ये ढाला हाइड्रोलिक है, और ट्रैक्टर के ढाला उलट के मिट्टी को गिराता भी है, सबको कंट्रोल करता है। एकमात्र सिरिंज की मदद से पूरे खिलौने को वो अपने काबू में रखे रहते हैं। इसकी उम्र क्या है तुम्हारी? अभी 12-13 हो, मतलब 12 नेट हो सकता है। देखिए 12 साल के बच्चे का इंजीनियर बनने का ख्वाब, इंजीनियर बनने के चाह में जैसे भी ट्रक और ट्रैक्टर के अलावे एक थार गाड़ी भी बनाया था। हाँ, थार बनाए थे। खड़ा हो जाओ, दिक्कत है खड़ा होने में? हाँ। क्या
पैर दुख जाता। अच्छा पैर दुख जाता है। एक 12 साल का लड़का का जज्बा देखिए, इंजीनियर बनने का सपना ऐसा कि 12 साल की उम्र में ही ट्रक बना दिया, जैसे भी बना दिया, ट्रैक्टर बना दिया और एक थार गाड़ी भी बनाया है। बनाए हैं पर अभी उसको बेच दिया। बेचे नहीं है अभी, मतलब अभी खराब है। अच्छा खराब हो गया, बनवाने के लिए पैसा नहीं है। हम तो अपने बना लेंगे पर अभी रखे हुए हैं। अच्छा खर्चा भी लगेगा? खर्चा लगेगा उसमें बनाने में, मतलब अब बनाएंगे तो मोटर सेट ही बनाएंगे, इतने बनाएंगे मोटर सेट। इस बच्चे के हौसला आप लोगों को कैसा लगा, बच्चे का जज्बा और सपना कैसा लगा, इसकी कारीगरी कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर बच्चे को सपोर्ट कीजिए।